निजी बस संचालकों के द्वारा स्टेशन इंचार्ज के साथ अपहरण के बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। फर्रुखाबाद में बीती रात रोडवेज बस स्टैंड के पास निजी बस संचालकों के गुर्गों ने मचाया तांडव। बस अड्डे के पास सवारियां भरने से रोकने पर रोडवेज बस स्टेशन इंचार्ज का अपहरण कर किया प्रयास। स्टेशन इंचार्ज जितिन ने बताया कि दबंग मारपीट कर गंगा नदी में फेंकने की कह रहे थे बात। रोडवेज बस अड्डे के पास निजी बस संचालन है गुर्गों से भर रही थी दिल्ली की सवारियां। वीडियो बनाते हुए मौके पर पहुंचे स्टेशन प्रभारी जितेंद्र सिंह, जिससे निजी बस संचालक के गुर्गे बौखला गए। स्टेशन इंचार्ज को बस में खींचकर गेट बंद कर लिया और बस पंचाल घाट की तरफ दौड़ा दी। इस दौरान बस ने स्टेशन इंचार्ज को लात घूंसे डंडों से जमकर पीटा। अचानक बस में हुई घटनाक्रम से सवारियों में हड़कंप मच गया। सवारियों में चीख पुकार करने लगी। तेज रफ्तार अनियंत्रित निजी बस ने खानपुर के पास बाइक सवार मामा भांजे को रौंद दिया। इसके बाद किसी तरीके से स्टेशन इंचार्ज बस में से जान बचाकर भागे, थाने पहुंचकर सूचना दी। घटना के बाद निजी बस चालक व परिचालक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। देर रात पुलिस ने घायल स्टेशन इंचार्ज का जिला अस्पताल लोहिया में कराया मेडिकल परीक्षण। जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे एआरएम अरविंद मिश्रा ने बताया कि एसपी को घटना की जानकारी दी है, कठोर की कार्रवाई की जाएगी। थाना कादरी गेट का है पूरा मामला। अभिषेक कटियार, फर्रुखाबाद समाचार 24। मेरा नाम जितेंद्र सिंह। किस पद पर है आप, कहाँ तैनात है? किस पद पर है, कहाँ तैनात है? मैं स्टेशन प्रभारी हूँ, फर्रुखाबाद रोड में। बस क्या घटना हुई आज आप साथ चोटिल हैं? ये हुई लगभग 9:30 के लगभग, प्राइवेट गाड़ी अभी थी दिल्ली वाले गेट पे, तो आगे से मैं वीडियो बनाता हुआ उनके पास गया। पहले भी मैं इनको वार्निंग दे चुका हूँ और इसके लेकर रिपोर्ट भी कर चुका था, और ये मौके का फायदा उठा के लगा लेते थे। तो मैंने इनसे मना करते हुए इनके गेट पर पहुंच गए। इन्होंने क्या किया कि 4-5 लोग थे, इन्होंने गेट के अंदर ले लिया, गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद ड्राइवर से कहा गाड़ी बढ़ा लो, वहाँ मेरा स्टाफ साथ में था, मैंने स्वच्छा गार्ड को 2 स्वच्छा गार्ड को लिया था, 3 स्वच्छा गार्ड और एक हमारा टीचर था जो वहाँ स्टेशन आई है पानी पे था, तीनों साथ लिया। गेट पास जैसे ही पहुंचे हैं वीडियो बनाते हैं, वैसे उन्होंने मुझे पकड़ के गाड़ी के अंदर डाल दिया, खींच लिया। गाड़ी भरी हुई थी, प्राइवेट गाड़ी थी, दिल्ली के लिए पूरी पैक कर ली थी और गाड़ी के अंदर डाल दिया। जैसे मैंने ड्राइवर से रोकने के लिए कहा, वैसे ही ड्राइवर के साथ वही जो बोनट होता है वहीं मुझे डाल दिया। लात घूंसों से और डंडों से मुझे इतना मारा पीटा है, गाड़ी पूरी स्पीड घुमा दी। वो दिल्ली ले जाने के बजाय वो घटिया गाड़ी तरफ ले चल दी। ले जाने पर जब मैंने देखा कि मैं किसी तरीके से नहीं बचूंगा, तो थाना निकल गया लगभग 2 किलोमीटर आगे जाकर के। जब मैंने देखा अभी ये मुझे छोड़ने की चीज, सारी पब्लिक चला रही थी, चलती गाड़ी को मेरा एक ही विकल्प निकला। मैंने कहा अगर ये गाड़ी रोकना है तो उसको स्टेयरिंग को पकड़ना है। गेयर भी मैंने डालने का प्रयास किया, गाड़ी फुल स्पीड थी। जैसे ही मैंने स्टेयरिंग को पकड़ा है कसके, हाथ में भी मारते थे तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। बाद में किसी लग गई जाके गाड़ी रुक गई, सारी पब्लिक भागी, उसके साथ मैं भी निकला जान बचा के। और उनका पूरा उद्देश्य यह था इसको ले जाकर गंगा जी पे फेंक, और मारने में कोई कसर नहीं छूटी, मैं केवल बच ही गया हूँ। हत्या के इरादा था? बिल्कुल हत्या ही इरादा था, मैं बच गया हूँ, मैं जिंदा बैठा हूँ, मेरा सौभाग्य है। मारने में कोई कसर नहीं छूटी, 4-5 लोग थे, लगातार लात घूंसा से बचाए जा रहे थे, नाक खून आ रहा था, मुंह से खून आ रहा था, मुंह में हाथ डाल के पूरा मुंह चीर रहे थे, आंखों में उतना लात घूंसा मारा, सारी पब्लिक दहशत में थी और जैसे तैसे मैं बच गया हूँ। आंख में चोट लगी? आंख में उन्होंने खूब लात घूंसे मारे। एक्सीडेंट में, उसी बस से एक्सीडेंट में बताया जाए, उसी गाड़ी से घायल भी हुए, उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। वो गाड़ी हमने रोकने का आखिरी प्रयास था जान बचाने के लिए, मैंने उस गाड़ी को टाइट करके स्टेयरिंग पकड़ ली, गाड़ी स्पीड थी, साइड में जाकर किसी गाड़ी से टकरा गई, वो वहीं भी रुक गई, सारी पब्लिक बच गई, मैं भी पूरी गाड़ी को गंगा जी में डाल देते जाके मेरे साथ में, और यही कह रहे थे कि तुझे मैं आज छोड़ूंगा ही नहीं। दिल्ली ले जाने की बजाय गंगा जी की तरफ ले जाने का उद्देश्य उनका यही था। पुलिस सूचना दे दी, मैं भाग के जान बचा करके जैसे तैसे करके काफी लोगों से हेल्प मांगी। रात का समय थे, मेरे पीछे रोड में दौड़ते भी रहे, लेकिन क्या है एक तो शरीर ताकत भी नहीं थी, सारा ब्लड निकल गया और जानलेवा हमला भी किया, तो मैं भाग के अंधेरे का फायदा उठा करके मैं प्राइवेट गाड़ी पे बैठ गई और थाने से गेट से न उतर के थाने के पीछे से गली उससे आकर के थाने पे मेडिकल हो रहा है। अपने अधिकारियों को सूचना दी है क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने वीडियो बनाया था, मोबाइल छीन लिया, अधिकारी सूचना देने की नौबत ही नहीं आ पाई, मैं भाग के थाने ही आ गया। अच्छा मोबाइल अभी आपका? मोबाइल उन्हीं की कस्टडी में, उन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा मारने के लिए। ये है कि मैंने जान बचा के मार दिया।
स्टेशन इंचार्ज मैनेजर है उनका अपहरण कर मारपीट की, क्या घटना है? देखिए रोडवेज बस स्टेशन फरुखाबाद के सामने प्राइवेट बस जो डंकामार जिसको कही जाती है और लगा के यात्री भर रहे थे। हमारा स्टेशन प्रभारी जितेंद्र कुमार ने मना किया, वीडियो बनाया और उसको बस में खींच करके लेकर जा करके मारे करके काफ़ी दूर ले जा करके किसी तरह अपना जान बचा करके वहाँ से निकले। उसके बाद तुरंत एसओ कादरीगंज ने किसी तरह को सुरक्षित लाया। अभी मेरे कप्तान साहब से मेरी बात हुई, पुलिस पूरी मदद कर रही है, सीओ साहब से बात हुई है, कप्तान साहब से बात, पूरी पुलिस मदद कर रही है, निश्चित उस पर कार्रवाई होगा। अच्छा, जो डग्गा मार भर है वो कहाँ सवारियाँ भर रही थी? वो सवारियाँ भर रही थी स्टेशन से जो उनसे हरदोई उदय की सवार हरदोई भर रही थी। जी जितेंद्र बता रहे हैं कि दिल्ली की सवारियाँ भर रही थी, हरदोई दिल्ली से, हरदोई से दिल्ली जाती थी बस उसी तरह लेकर जा रही थी।